यही फर्क है पहले और आज में। पहले हम लोग तिलक लगाने से भी डरते थे, आज लंबा लंबा तिलक ये अंगोछा भगवा डाल के ऐसा लग रहा है सच में हिंदू राष्ट्र में हम प्रवेश कर गए, राम राज आ गया है। यहाँ का अल्पसंख्यक अगर डरा हुआ होता ना तो खुले मंच से खुले चौक चौराहे से मोदी जी तेरी कब्र खोदेगी, भारत माता के टुकड़े होंगे, ऐसे नारे नहीं लगाते। ऐसे नारे लगा रहे इसका मतलब ये लोग बेखौफ है। पहले हम चटनी रोटी खाते थे, प्याज रोटी खाते थे, आज हमारे बच्चे हम वो पनीर, कभी कभी तो पनीर भी नहीं बढ़िया लगता था। महंगाई कहाँ से बढ़ गया भाई, महंगाई ने बड़ा हमारा शौक बढ़ गया है। ये पहली पार्टी है और पहला सरकार है और पहला प्रधानमंत्री है जिसके लिए जनता प्रचार कर रही है। 70 साल तुम्हें देखा है, 70 साल मोदी जी को भी देखेंगे। रही बात 2024 की, 2024 में 400 के पार है, ये बात ये विपक्ष ध्यान रखे। चलिए हमारे साथ ऑटो वाले भैया हैं, उनसे बात करते हैं। राहुल गांधी बोले हैं विदेश में कि बताइए इस देश में जितना माइनॉरिटी है, अब मुसलमान से वो सिख ईसाई सब पर आ गए हैं, वो बेचारे बड़े खतरे में हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है उनको, क्या कहना है इस पर? किसी भी आम मुसलमान को कोई खतरा नहीं है, पहले से ज़्यादा खुशहाल है, पहले से ज़्यादा आज़ाद है। यहाँ का अल्पसंख्यक अगर डरा हुआ होता ना तो खुले मंच से खुले चौक चौराहे से मोदी जी तेरी कब्र खोदेगी, भारत माता के टुकड़े होंगे, ऐसे नारे नहीं लगाते। ऐसे नारे लगा रहे इसका मतलब ये लोग बेखौफ हैं, पहले से ज़्यादा बेखौफ हैं। मोदी जी किसी को परेशान नहीं किया, कोई जाति धर्म देखकर काम नहीं किया है, ना किसी अल्पसंख्यक को परेशान किया है, ना कोई अल्पसंख्यक परेशान है। ये सब ये राहुल गांधी का और कांग्रेस का एजेंडा है कि एक मोदी जी का डर दिखाओ, अल्पसंख्यकों में भय पैदा करो और फूट डालो, राज करो। लेकिन इसको पता होना चाहिए इस देश की जनता जाग चुकी है, जनता बेवकूफ नहीं है। 70 साल तुम्हें देखा है, 70 साल मोदी जी को भी देखेंगे। रही बात 2024 की, 2024 में 400 के पार है, ये बात ये विपक्ष ध्यान रखे कि इसमें कोई शक वाली बात। ऑटो वाले हैं आप, CNG का दाम महंगा कर दिया, गैस का दाम महंगा कर दिया और फिर भी कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे। अरे भैया तो कांग्रेस के समय में गैस क्या हमें फ्री में मिलता था? CNG फ्री में मिलता था क्या? समय के साथ सब कुछ का रेट बढ़ा, हमारा कमाई भी बढ़ा है। बढ़ा है क्यों नहीं बढ़ा है? गरीब मध्यम वर्ग को तो खत्म कर दिया। पहले हमारे हाथ में फोन नहीं हुआ करता, एक शौक बढ़ा है हमारा, महंगाई ने बढ़ा हमारा शौक बढ़ गया है। पहले हम चटनी रोटी खाते थे, प्याज रोटी खाते थे, आज हमारे बच्चे हम वो पनीर, कभी कभी तो पनीर भी नहीं बढ़िया लगता था। महंगाई कहाँ से बढ़ गया भाई, हमारे शौक बढ़ गए हैं। ये नहीं कहेगा अरे तुम्हारे जमाने में जो लाइफ स्टाइल था ना बिल्कुल खत्म था, मोदी जी के टाइम आके ना लोगों का रोज मर्रा का जीवन बदल गया है, लोगों के शौक हाई लेवल पे है, इसलिए लोगों का जोश हाई लेवल पे है मोदी जी के प्रति, क्योंकि लोगों के जीने का तरीका बदल गया है, हमारा लाइफ स्टाइल बदल गया है, हमारे हर शौक पूरे हो रहे हैं। हमारे घर में बिजली का पंखा नहीं होता था, आज हम AC और कूलर लगा के सोते हैं। ऑटो वाला भी AC कूलर लगा रहा है? अरे भैया AC नहीं है, कूलर तो है। मैंने क्या कहा, जिसके घर में पंखा नहीं होता आज AC, हमारे घर में AC नहीं लेकिन कूलर है भैया। हम हो जाए हमारे बच्चे हो कूलर से नीचे नहीं सोता, इसका मतलब क्या है? हमारे फैसिलिटीज बढ़े हैं, महंगाई नहीं बढ़ा है, ऐसा बोल के गए। अंधभक्ति है इसका मतलब? ये अंधभक्ति है? अरे अंधभक्ति नहीं है, जो तुष्टिकरण को पसंद करने वाले हैं ना उनको ही केवल महंगाई दिख रहा है। जो तुष्टिकरण की राजनीति चाहते हैं ना, जिसको विकास से कोई लेना देना नहीं है। विकास तो बहुत बढ़िया वाजपेयी जी ने भी नहीं किया, वाजपेयी जी भी किया था, ये तुष्टिकरण वाले उनको भी वोट नहीं दिया था, तो ये मोदी जी को क्या वोट देंगे? कांग्रेस कितनों भी महंगा करेंगे, जो इस्लामिक एजेंडा अंदर खाने चला रहा है ना उसको सब कुछ महंगा नजर आ रहा है। ये बहुसंख्यक को भड़काने वाली बात है कि अब महंगा है, इनके लिए कांग्रेस कुछ भी महंगा कर दे तो भी वोट उन्हीं को देगा, BJP को कभी वोट नहीं देगा, उनके लिए महंगा। ये जो आपने गमछा पहना हुआ है ना यही गमछा पहन के लोग डरा रहे हैं उन लोगों को, यही फर्क है पहले और आज में। पहले हम लोग तिलक लगाने से भी डरते थे, आज लंबा लंबा तिलक ये अंगोछा भगवा डाल के ऐसा लग रहा है सच में हिंदू राष्ट्र में हम प्रवेश कर गए, राम राज आ गया है। यही गमछा बता रहा है राम राज है भैया, राम राज है। नहीं पहले तिलक लगा के नहीं चल सकते थे किसी खास इलाके से, आज हर इलाके में भगवा पे फहरा के चलते हैं। यही है मोदी का राम राज और हिंदू राष्ट्र के दहलीज पे खड़ा है हिंदुस्तान, और अभी भारत के निर्माण के नए भारत के निर्माण का प्रतीक पार्लियामेंट बन गया है, वो हिंदू राष्ट्र को पूरा समाहित कर रखा है। लेकिन उसी नई पार्लियामेंट में
विपक्षी एकता देखने को मिलेगी? उद्घाटन करने नहीं गए लोग? उसमें कारण है भैया, क्या कारण? देखिए देखिए, शर्म की भी हद होती है। ये लोग को अब शर्म आ गया, बेशर्म विपक्ष को शर्म आया और शर्म आनी भी चाहिए। इनको लगा कि रे भैया वाकई में देश में इतना बड़ा विकास हुआ है, नए भारत का निर्माण हो रहा है और उसका निर्माण का प्रतीक भव्य पार्लियामेंट बनाया, भव्य राम मंदिर का निर्माण किया है, उस पार्लियामेंट में जाके हम कैसे ताली बजाएंगे, मोदी जी की जयकार करना पड़ेगा। इनको शर्म आया, उस शर्म के बहाने इन्होंने कोई भी बहाना लगा दिया। अरे जिस राष्ट्रपति महामहिम का नाम लेकर बहाना लगा के ये लोग उस पार्लियामेंट में नहीं गया, उस महामहिम को हराने के लिए, द्रौपदी मुर्मू जी के दलित महिला को हराने के लिए इन विपक्षों ने क्या क्या तिक्रम नहीं बैठाया, क्या क्या तिक्रम नहीं बैठाया। उस दलित महिला को राष्ट्रपति बनाने के लिए, महामहिम बनाने के लिए अमित शाह जी, मोदी जी, नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, बीजेपी का पूरा टीम कुनबा लग गया। बात बताइए, ऑटो कब चलाते हैं? बाकी लग तो रहा है कि सिर्फ पूरे दिन चैनल ही देखते रहते हैं। ऐसा नहीं है, यही तो राम राज है भैया, यही राम राज, अपने देश के लिए कुछ कह सकूं, कुछ बोल सकूं, दो चार भाइयों को जगा सकूं, कुछ हमारा योगी मोदी के लिए कुछ योगदान हमारा भी हो, ऑटो चला के भी टाइम निकाल के हम कुछ लोगों को संदेश देते हैं कि भैया ऐसा युग हमने कभी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, इस युग को हाथ से मत जाने देना। 2024 में लक्ष्य है, आम जनता का लक्ष्य है, ये पहली पार्टी है और पहला सरकार है और पहला प्रधानमंत्री है जिसके लिए जनता प्रचार कर रही है। अच्छा ये बताइए, जो लोअर मिडिल क्लास है यानी कि मध्यम वर्ग का व्यक्ति है या उससे नीचे का व्यक्ति है, उसके लिए ये कहा जाता है कि मोदी सरकार ने इनकी कमर तोड़ दी, इनके लिए देश में ना के बराबर फैसिलिटीज़ हैं, इनकी गैस महंगी कर दी, मतलब कि आप चूंकि ऑटो के हैं तो इसलिए गैस की भी जिक्र किया, रसोई महंगा कर दिया, बिजली महंगी कर दी, फिर भी ये चीज़। अगर ये लोग ये सवाल उठा रहा है ना, तो पहले ये कहा जाता था कि भाजपा जो है शहरी लोगों का पार्टी है, बनिया ब्राह्मणों का पार्टी है, लेकिन अब तो कहानी कुछ और है भाई, गांव गरीब किसान के लोग प्रचंड बहुमत से मोदी जी को जिता रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश का है देखिए चुनाव हो, चाहे त्रिपुरा का हो, चाहे कई पहाड़ी इलाके का हो, वहाँ पे गांव गरीब किसान लोग मोदी जी को जिता रहे, इसका मतलब साफ है कि सब खुश है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि देश जो आज तरक्की कर रहा है, देश का अगर आप जीडीपी की बात कर लें तो अभी रिसेंटली रिपोर्ट आया है कि इंडिया का जो जीडीपी है वो चाइना से भी डबल हो गया है, मतलब 4.4 रेट से अगर वो ग्रोथ कर रहा है तो लगभग 8 के अप्रॉक्स रेट से हम ग्रोथ करने वाले हैं, और आने वाले टाइम में जो हमारा ग्रोथ रेट है वो कहीं ना कहीं डबल की ट्रिपल होने वाला है। हमारी इकोनॉमी पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, हम जिसने हम पे राज किया इतने सालों तक उससे आगे निकल चुकी है हमारी अर्थव्यवस्था, और हम कहीं ना कहीं चाइना से कम्पीट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज सर पूरे वर्ल्ड वाइड अगर आप किसी भी कंट्री को उठा के देख लो तो हर कंट्री में क्राइसिस है, हर कंट्री परेशान है, लेकिन एक इकलौता इंडिया है जिसको मोदी जी ने सेफ साइड में लेकर के कोविड से निकाला, यूक्रेन रसिया वॉर के बावजूद हर एक लोगों तक खाना पहुंच रहा है, हर एक लोग सेफ फील कर रहा है और हर एक लोग कोविड वैक्सीन लगा करके और हमारे और आपके जैसे लोग डिबेट कर रहे हैं और खुशहाली मना रहे हैं, तो इसको तो एक बड़ी जीत माना जाना चाहिए। मैं तो इसको विक्ट्री मानता हूँ, सिर्फ अचीवमेंट नहीं है। देखिए पहले जिन चीज़ों को कंस्ट्रक्ट होने में बरसों बरस लग जाते थे वो कहीं ना कहीं फिर ये बाद में सामने आता था कि जिस कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट अगर 1,00,000 करोड़ का था या 10,000 करोड़ का था वो कहीं ना कहीं 20,000 करोड़ का हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें करप्शन हो गया या तो रेट इन्फ्लेशन की वजह से वो चीज़ें कहीं ना कहीं महंगी हो गई। आज 100 दिन में 100 किलोमीटर अगर सड़कें बन रही है इतनी तेजी से, आपका गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ना वो रिकॉर्ड कायम कर रहा है, जहाँ पे हमारे ये प्रधानमंत्री कहा करते थे या उस टाइम के रक्षा मंत्री कहा करते थे कि पहाड़ों के इलाका में हम अपने सड़कें नहीं बनाएंगे ताकि हमारी वहाँ तक पहुँचनी होगी, उधर से पहुँचनी होगी, आज वहाँ तक हमारी पहुँच हो रही है, गांव सुदूर दूर तक सर पहुँच हो रही है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सर।